पुराने दोस्त थे और बस सारे के बाद मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत पुराने दोस्त थे, लेकिन मौका तो आज ही मिला, अभी मिला, मतलब जो मेरा इंटरनेट क्लब जो फिल्म है उसमें मेरा पीजा का कैरेक्टर है, जो कॉमेडी कैरेक्टर है मेरा, जो मतलब मुझे जाना जाता है एज अ कॉमेडियन, वैसे कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, बीरी साहब है, गोयल साहब है, अमन चौधरी है, तो बहुत बहुत अच्छी कास्टिंग है और उसमें अच्छा रोल है, जो मुझे सुना रहा हूँ अच्छा, मतलब बहुत अच्छी जाऊँगा। तो जैसे फिल्म का नाम मरहरत इन द नाइट क्लब, तो क्या हॉरर टाइप की मूवी किस तरह के? हॉरर हॉरर की मूवी तो नहीं है, मेरी मिर्ची है, मेरा कैरेक्टर तो मुझे जितना मुझे किरदार मुझे बताया गया मेरे को कॉमेडी है, भाषाओं का लोगों को जो मेरा काम है वो करो। एक प्लीज साइलेंट 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 प्लीज। ये इस टाइप की फिल्म है कि मैंने लाइफ में इंडिपेंडेंट भी किया है, असिस्टेंट भी किया है, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ भी किया है, लेकिन ये मेरे लिए फिल्म बहुत मायने रखती है क्योंकि इसका राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, और ये सस्पेंस म्यूजिकल सस्पेंस फिल्में बहुत बनी है लेकिन एक डिफरेंट टाइप की फिल्म है। यहाँ तो सबके ऊपर शक जा रहा है, हालाँकि किसी एक पे शक जाता है तो किसी पे नहीं जाता और क्लाइमेक्स में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस हर जगह पे ये सोचती है कि इसने मर्डर किया होगा, इसने किया होगा, इसने किया होगा, या तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने किया होगा या हीरोइन ने किया होगा, मतलब हर जगह पे हमने इनको इतना सस्पेंस में बांध के रखा है कि किसने किया है वो तो थिएटर में दिखाएंगे। मेन विलन की भूमिका कौन निभा रहा है? मेन विलन की भूमिका आप तो सिंघम फिल्म का नाम सुना ही होगा जी, सर लुक उसमें जो मेन विलन है और ये राज भाई है, राज का कैरेक्टर निभा रहे ठक्कर साहब इनका नाम है, तो थ्रू आउट तो यही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इनके डैडी के भूमिका में अनंत जोग साहब हैं जो इनके डैडी हैं, लेकिन जितने मारा मारी के जितने भी घटिया किस्म के काम होते फिल्म में यही आर पार करते रहते हैं, इसलिए हमने भी और क्या है कर भी रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एक नॉन भी चाहिए था। बाकी की स्टार कास्ट के बारे में बताइए, किस तरह की स्टार कास्ट है? ऑलमोस्ट 90% नॉन फेस हैं, ये नहीं कि एकदम सुपरस्टार है बट नॉन है, ये भी नॉन है, नए नहीं है, कर चुके हैं। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे सर इस फिल्म को लेकर? माइक दे जरा। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए ये कहना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी विनंती रहेगी कि जितनी भी फिल्में आपने देखी है सस्पेंस में और इस फिल्म को आकर देखें और आपकी तरफ से कुछ मुझे प्रीव्यू मिले कि आपको कैसी लगी, तो आपको जैसी चाहिए इस तरीके से देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। मैं जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के? कम कर दे सर, आई एम गेटिंग इनटू शेप सो दैट आई लुक परफेक्ट कॉप, और कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मेरे साथ जो विलन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, दोनों आनंद जी हैं और उनके साथ जो प्ले कर रहे हैं, सो आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। सीबीआई की आप भूमिका नहीं बना, तो कुछ फाइट वगैरह भी करने वाली है इसमें, कुछ गाने भी है? बस सस्पेंस नहीं, गाने तो नहीं है, गाने करने की उम्र मेरी चली गई है और नाउ आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू डू दो, बट फाइट में भी हो सकती है। मैम फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात क्या कहना चाहेंगे? पिपरे जी के साथ ये मेरी सेकेंड फिल्म है, इनके साथ मैं पहले एक भोजपुरी फिल्म कर चुकी हूँ एंड एज आई सेड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एक डायरेक्टर के लिए एक फिल्म फ्लोर पे जानी, उसे बनाना, कंप्लीट करना और रिलीज़ करना सबसे बड़ी बात है और पिपरे जी उसमें से एक है, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म एज वेल। शिवाजी बाप की जब बॉलीवुड मराठी और भी कई लैंग्वेज की फिल्में की हैं, तो आगे आने वाली कौन सी भाषा की फिल्में? फिलहाल मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है हिंदी में जो बहुत जल्द बनाने की इच्छा रखती हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोस, हिंदी फिल्म। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुभकामनाएं देंगे और क्या यार, दूसरा तो मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं देने का।